स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग ज्योग्राफी फिफ्थ चैप्टर मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ. इन दिस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट कॉन्टिनेंट्स. देर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स. बिगेस्ट कॉन्टिनेंट्स इज एशिया, सेकेंड अमेरिका एंड थर्ड नॉर्थ अफ्रीका, सेकेंड एंड नॉर्थ अमेरिका थर्ड. एंड दैट सबसे जो छोटा है वो है, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया. ये सेवन कॉन्टिनेंट हो गए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. एंड वी हैव आल्सो रीड अबाउट ओशंस. देर आर फाइव बिगर ओशंस. पैसिफिक ओशन इज बिगेस्ट. And second is Atlantic Ocean. This is Indian Ocean near the India. And Arctic Ocean. ये Arctic Ocean है ध्रुवों के पास में, यानी Arc के पास में, South ये Northern Hemisphere के पास में Arctic Ocean, और Southern Hemisphere के पास में है Southern Ocean. Now students, we will read about hydrosphere. We have read that the name of a research center in Antarctica, India's research center are Maitri and Dakshin Gangotri. Isko yaad rakhiye. Hydrosphere is called the blue planet. Blue अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट. अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं. मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. इसके 71% अर्थ पर, ये इसका 71% जो हिस्सा है उस पर तो क्या है, वाटर है. एंड 29% इज विद लैंड. 29 पर लैंड है और 71 पर वाटर है. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म. हर तरह के फॉर्म में होता है हाइड्रोस्फीयर में वाटर, जैसे आइस में, वाटर में. एज रनिंग वाटर इज ओशन एंड रिवर एंड इन लेक. जैसे ये रनिंग वाटर में होता है, ओशन, रिवर और लेक होते हैं, और आइस में ग्लेशियर्स होते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर भी होता है. एंड द वाटर वेपर इज एटमॉस्फेयर, और जो वाष्प होती है एटमॉस्फेयर में, वेपर होती है, वो भी इसी का ही हाइड्रोस्फीयर में ही आता है. ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर. सर ये पूरे किस में आते हैं, हाइड्रोस्फीयर में आते हैं. मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन. ओशन में पाया जाता है 97% जो वाटर होता है अर्थ का. एंड इज टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज. ह्यूमन इसको यूज नहीं कर सकते, इतना साल्टी होता है ये. ए लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर और अंडर द ग्राउंड. एंड ए वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन. और जो इसमें जो बचा हुआ है 97 के बाद जो 3% बचा है, वो किस रूप में पाया जाता है, ज्यादातर आइस शीट के, ग्लेशियर के और अंडरग्राउंड के रूप में पाया जाता है. और बिल्कुल लेस जो परसेंटेज होती है, लेस मात्रा में होता है, वो फ्रेश वाटर ह्यूमन के यूज के लिए होता है. Hence, despite being a blue planet, we face shortage of water. हमारा planet blue planet है अर्थ, लेकिन फिर भी यहाँ water की shortage का face कर रहे हैं हम, क्योंकि इतना पानी है. 97% तो समुद्रों में है और underground है, ice के रूप में, glacier के रूप में, और पीने के लिए only few water है हमारे running जो नदियों में, झीलों में, तालाबों में अर्थ पर पाया जाता है. नलकूप से निकालते हैं हम, हैंडपंप से, बिल्कुल फ्यू मात्रा में, इसलिए हमें शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है.
ये कंपेरेटिव साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं, आप इसे समझ सकते हो। इसमें स्क्वायर को आप काउंट कीजिए, ये स्क्वायर साइन को काउंट कीजिए और फिर आंसर दीजिए। नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जिसके स्क्वायर सबसे ज्यादा हैं वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया, है ना। विच इज लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बॉक्स गिनिए और ये यूरोप के बॉक्स गिनिए, कौन से ज्यादा हैं। इसमें 3, 3, 9, 3, ये 9 है और ये 8 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, यूरोप। ऑस्ट्रेलिया यूरोप से छोटा है। ओशंस, ओशंस आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हमने ये पढ़ा ही है कि 97% जो अर्थ का है वो ओशन पानी है, वो ओशंस में होता है। दे आर ऑल इंटरेक्टेड, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, मूव करता रहता है ये वाटर। इसका द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स, वेव्स यानी लहरों के रूप में, टाइड्स जो ज्वार भाटे आते हैं उनके रूप में, और ओशन करंट, और ओशन जो लहरें होती है ओशंस की। द फाइव मेजर ओशन आर द पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। उसके बाद एटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है थर्ड नंबर पे, साउदर्न ओशन फोर्थ पे, और आर्कटिक ओशन फिफ्थ, इन ऑर्डर साइज, साइज के अकॉर्डिंग है ये। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, इट इज स्प्रेड और 1/3 ऑफ द अर्थ। ये अर्थ 1/3 पार्ट पर है अर्थ के, और मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो इसके अंदर जो गड्ढा है समुद्र के अंदर, इतना बड़ा गड्ढा है जो 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा है, यानी हिमालय की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा है जो गड्ढा, वो इसे में पाया जाता है। कहाँ पर, पैसिफिक ओशन में। लाइज इन द पैसिफिक, द पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, किस तरह की शेप है इसकी, सर्कुलर शेप है पैसिफिक ओशन की। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, इसके चारों तरफ क्या क्या है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका। देखिए इसमें ये पैसिफिक ओशन है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये पैसिफिक ओशन के अराउंड है ये। द एटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये एस शेप में है और इट इज फ्लैंक्ड बाई द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। नॉर्थ और साउथ जो अमेरिका है उसके वेस्टर्न साइड में है, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, और यूरोप और अफ्रीका इसके ईस्ट साइड में है। देखिए ये अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसके ईस्ट वेस्ट में है, और इधर ईस्ट में है यूरोप एंड अफ्रीका। ये इस एस साइज का है, ये देखिए इसकी क्या है शेप, एस साइज की है। द कोस्ट लाइन ऑफ एटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड, द इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट, और इसके हार्बर, बंदरगाह और पोर्ट पर इसकी खूब बहुत, मतलब इसके ये जैसे नोकीले सिरे से निकले हुए हैं बहुत ज्यादा इस तरह से, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे पोर्ट और हार्बर्स हो गए हैं, तो सीधी जो लाइन होती है उस पर तो कम होते हैं, और इसके ये इतने नुकीले पार्ट हैं इस वजह से इस पर हार्बर और पोर्ट से नहीं, बंदरगाह बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए ये बहुत ज्यादा विकसित जगह है ये।
The irregular and intended coastline provide ideal location of natural harbor and port from the point of view of commerce, यानी ये व्यवसाय या कॉमर्स के लिए, जैसे जहाज हैं, सी हैं, वो इनके व्यापार के कॉमर्स के लिए इट इज बिजिएस्ट ओशन, और ये बिजिएस्ट ओशन है क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हो गए हैं, क्योंकि इसकी नेचुरल सिचुएशन इस तरह से है. द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम आफ्टर ए कंट्री. इंडिया जो ओशन है उसका नाम हमारे इंडिया देश पर है. द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर, और इसकी शेप है जो इंडिया का जो नीचे का पार्ट है उस वजह से इसकी शेप भी ट्राइंगुलर है. इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाई एशिया, और नॉर्थ में इसके एशिया है. इन द वेस्ट अफ्रीका, और इसके वेस्ट में इधर अफ्रीका आता है. एंड द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इधर इसके ऑस्ट्रेलिया है. ये हमारा हिंद महासागर बोलते हैं जिसको, इंडियन सी. दिस इज इंडियन सी. इधर ये इसके वेस्ट में अफ्रीका है, इसके नॉर्थ में एशिया है, और इसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, और इनके बीच में ये इंडियन सी हो गया. इंडियन सी इज ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर इंडिया. इट इज बाउंड एशिया अफ्रीका. साउदर्न ओशन एनरिच द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. और जो लास्ट बचा हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा, साउदर्न ओशन जो साउदर्न हेमिस्फीयर के बाहर लगभग वहां पड़ता है, दक्षिण ध्रुव के पास में पड़ता है, और ये अंटार्कटिका एंड और कहाँ तक फैला है, नॉर्थवर्ड तक फैला है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक. द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल. आर्कटिक ओशन कहाँ तक फैला, आर्कटिक ओशन है ये नॉर्थ पोल के पास में है, और ये आर्कटिक सर्कल के पास में है के चारों ओर फैला हुआ है. इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाई ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नॉन एज बेरिंग स्ट्रेट. और ये कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है पैसिफिक ओशन से, यानी जो सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक, उससे जुड़ा हुआ है किससे, एक पतली सी शैलो वाटर यानी जो नहरें होती हैं जिसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट. बेरिंग स्ट्रेट से ये पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है. इट इज बाउंड बाई नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. और किससे बाउंड है ये, इसके कोस्ट किनारे किससे बाउंड है, नॉर्थ कोस्ट और नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से. सीन द मैप, दिस इज आर्कटिक ओशन, ये नॉर्थ अमेरिका, और इधर ये यूरेशिया है और इनसे जुड़ा हुआ है, और ये आर्कटिक ओशन एक पतली सी नहर इसको स्ट्रेट कोस्ट से इससे जुड़ा हुआ है. ये साउदर्न जो ओशन है ये अंटार्कटिका यानी कि साउथ पोल के पास में है. तो इस तरह से हमने पांचों जो ओशन से, पैसिफिक ओशन ये इधर से, और इधर पैसिफिक ओशन है सबसे बड़ा, सेकेंड नंबर पे अटलांटिक हो गया, थर्ड पे ये इंडियन ओशन हो गया, एंड ये साउदर्न ओशन हो गया, और सबसे छोटा ये आर्कटिक ओशन हो गया. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स राइट अबाउट दीज ओशंस.